आप देख रहे हैं एक्सप्रेस, आप तक न्यूज, हम है शिवलू। आज आप लोगों को मैं दिखा दूं तो एक शूटिंग स्थल पे हूं और शूटिंग रातों दिन लगातार 25 दिनों से चल रहा है। आज लास्ट शूटिंग का डेट है। यहां पे कुछ लोग हैं मौके पे और इन लोगों से मैं रिव्यू लेना चाहता हूं। कितना दिन से शूटिंग चल रहा है, देख रहे हैं? बिहार से पहली बार आए हैं ना, देखने सुनिए के ना आए हैं, शूटिंग चल रहा है। कम बात थोड़ी ना है, सुन के उतना दूर से आ रहे हैं। देखिए सुन के आ रहे हैं भैया, शूटिंग चल रहा है। कहाँ पे शूटिंग हो रहा है आपको पता है? अहिरौरी धान है। कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज। गोपालगंज से शूटिंग देखने आए हैं? अरे भाई हो भाई, देखिए गोपालगंज से कुशीनगर के धरती पर अहिरौली धान आए हैं। अभी पहली दिन आए हैं ना? आज तो पहले दिन आए हैं, पहले ही दिन खत्म हो जाएगा आज। आए तो देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी मैं जानकारी लेना चाहूंगा। कहीं हो सकता है कि कुशीनगर के कुछ लोग मिल जाए। सबसे पहले अरे भैया, आप लोग कुशीनगर के हैं? जी हम लोग यहीं के हैं। कितना मजा आता है कि आप ही के गांव में शूटिंग हो रहा है और वो भी बड़े बड़े एक्टर आके फिल्म को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कितना दिन से हो रहा है ये शूटिंग? ये लगभग एक महीना हो गया। एक महीना हो गया ना, 20-25 दिन बता रहे हैं लोग, रातों दिन करके तो ही रहा है शूटिंग ना। हाँ अच्छा, इसलिए लग रहा है कि ये जो जहाँ आप खड़े हैं ये पूर्वांचल का सबसे मतलब पिछड़ा हुआ माना जाता था। तो डायरेक्टर साहब नाम कर दिए मेरा, जबकि पिछड़ा इलाका को सब लोग जान रहा है। जी कम बात है, बहुत है। अच्छी, बहुत और फायदा क्या क्या हुआ है आप लोगों को ये बता दीजिए, जैसे यहाँ शूट हो रहा है तो बहुत हुई बातचीत है, फायदा क्या हुआ है? देखिए फायदा ये हुआ है कि शूटिंग देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा और फायदा हुआ है कि मान लीजिए कि आप हैं चाहे और कोई भी आ रहा है जिसको नहीं जानता था, जो केवल सुना था, जैसे की एक कहावत पड़ावना के बहु बहु ठीक है, ये कहा जाता था हमारे पूर्वांचल में। लेकिन जो कहते थे वो अगर देखते नहीं थे, ठीक है, अभी भी तो वही फायदा हुआ है कि जो लोग आए हैं, जो सुन कर आए, जो सुने थे कि पड़रावना के बहुत लोग होते हैं, आए हैं यहाँ देखे हैं, यहाँ के विकास देखे हैं, तो फायदा तो यही है। बाकी और कई लोग सुने हैं कि कमा भी रहे हैं लोग, पेट्रोल टंकी वाले यहीं के, ये पकौड़ी सकौड़ी कचौड़ी वाले सब लोग यहीं के कमा रहे हैं। जी कुछ लोगों को भी काम मिला है। जी मिला है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ बैन बड़ी बड़ी बैन आई है, बड़ी बड़ी जनरेटर आए हैं, यहाँ के जो तेल रग रहा है तो बाहर तो आएगा नहीं, यहीं से आएगा। तो फायदे हुए हैं ना, आर्थिक स्थिति से देखिए तो आर्थिक स्थिति से भी लाभ हुआ है लोगों को। आइए भैया से भी मैं जानकारी लेते हैं। भैया आप भी यहीं के हैं ना? हाँ बगल के हैं। बगल के हैं, मैंने बिहार के, बिहार बिहार के हैं, कटे हुए हैं बिहार। अहिरौली धाम से मैंने कितना दूर पड़ता है बिहार? बॉर्डर है ना, बॉर्डर ही है, बॉर्डर सटे हुए हैं, वो सामने दिख रहा है, वो बिहार है। तो कितने दिन से आप आ रहे हैं शूटिंग देखने? हम तो रोज आते हैं। रोज आते हैं ना, जब एक दो सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं। तो आपको सुना जा रहा है कि लास्ट शूटिंग का दिन है, आज खत्म हो जाएगा, तो विदा करने में कैसा लग रहा है इन लोगों को? इतने दिन से हंसा खिला रहे थे, मस्त एंजॉय करा रहे थे, विदा करने में थोड़ा मन तो दुखी है, थोड़ा दुखी है, मन दुखी है। ये निरहू जी देखेंगे वीडियो तो उनसे यही कहा जाए कि यहाँ कुशीनगर के लोग और बिहार के लोग भी उदास हैं जब आप जा रहे हैं यहाँ से। कल उनसे भी मुलाकात होनी है हमको, तो बाकी बहुत यहाँ काफी लोग दुखी हैं। आप लोग इतना उन्हें दिन बहुत अच्छा प्यार देना चाहते हैं, मतलब इतने दिन रहे? सैकड़ों नहीं, हजारों लोग डेली आते थे, बाइक से, मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से, टेम्पू से, बराबर लोग आते थे, नाश्ता पानी चाय। राजस्थान के लोगों का भी तो फायदा होता, सब स्टॉल लगता था यहाँ पे, एक फिल्म सिटी जैसा हो गया था। अच्छा अच्छा, आप जा रहे हैं आइए। डायरेक्टर साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? जो डायरेक्टर बहुत 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 उनको धन्यवाद की अपने क्षेत्र में कुछ किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। उन्होंने 12 फिल्मों करने के बाद एक फिल्म यहाँ भी लेके आए हैं ना? हाँ, उनके उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बार बार ऐसा करते रहे, अच्छा ये मूवी भी अच्छा होगा। अब 100 टिकट हम लेके उनका, ये मूवी हम 100 टिकट खुद हम खरीदेंगे। एक बड़ा खुलासा आप लोग के बीच में दिखाया जा रहा है, ये बलमा बड़ा नादान जो फिल्म जैसा लगेगा, 100 टिकट भैया खरीदेंगे, अकेले हम खरीदेंगे, कैसे सजाएंगे 100 टिकट? हाँ खुद अपने अपने से, हम सभी लोगों को, सरस्वती टागे जी गोपालगंज, अपने 100 टिकट खुद खरीद के हम गाँव के लोगों को सबको दिखाएंगे। 100 लोग देखने जाएंगे बलमा बड़ा नादान फिल्म, बड़ा मजा आने वाला है। भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब है उनका सपोर्ट करने का इन्होंने एक प्रेरणा लिया है, उनको एक वो बताया है कि भाई 100 टिकट लेंगे तो डायरेक्टर साहब भी कहीं ना कहीं खुश होंगे आपके द्वारा। डायरेक्टर साहब के बारे में एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि डायरेक्टर साहब इससे पहले कई तो फिल्में किए हैं और बहुत जी बहुत असफलता हासिल किया, लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत नहीं तोड़ा और उसके बाद से इस फिल्म के मुकाम पर आए हैं। और इतना डायरेक्टर साहब को आप कितने दिनों से जान रहे हैं, क्योंकि आपके लोकल एरिया? जी डायरेक्टर साहब के तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, इनका नाम सुने हैं, कहते होंगे कि भाई कुछ सफल नहीं हो पाना, इधर उधर जाते होंगे।
जी कहते थे और वो अपने स्तर पर भी जितना मेहनत किए हैं और इस मुकाम पर आने के लिए, अगर वो चाहते तो मतलब जिस एरिया से आ रहे हैं मैक्सिमम लोग उतना स्तर पर ना पहुंच पाते हैं क्योंकि पहले ही छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब अपना हिम्मत नहीं हारे हैं और उसमें जुटे रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब का भी कहना है कि मेरे भाइयों ने भी मेरा सपोर्ट किया जी, तो आप उनके भाइयों को भी जानते होंगे जी। देखिए मैक्सिमम तो उतना हम लोग नहीं है, लेकिन डायरेक्टर साहब को जानते हैं, नाम सुने हैं, जानते हैं इनको और बहुत मेहनत किए हैं, ये भी हम लोग मानते हैं। चलिए बाकी इसी तरह बने रहिए और नए नए चीजों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए फेसबुक को, ताकि आप लोग अनेक प्रकार से अनेक जगह पे अहिरौली जो जान आया हूं ना भैया इतने रात के समय में, तो इसी तरह का हर जगह जाकर आप लोगों को रिव्यू और आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे विदा कीजिए और मेरे चैनल को कर दीजिए दो चार लोगों के पास शेयर। धन्यवाद।